हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का एग्जिट परमिट के बारे में, जो कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, और सेकंड है आप लोग का ट्रैवल बैन के बारे में, इसको भी आप लोग यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं। ये जानना आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे भाई बहन का साथ होता है कि आप लोग पैसा कमाने के लिए यहाँ पे कतर में तो आ जाते हैं, पहला कुछ दिन यहाँ पे अच्छा निकल जाता है, उसके बाद आप लोगों का घर का तरफ मन जाने के लिए करता है, या तो फिर काम में आप लोगों का मन नहीं लगता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। उस टाइम में मेरे सब्सक्राइबर लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि अभी मुझे घर जाना है, अभी मैं कैसे यहाँ पे घर जाऊँ, कंपनी तो मुझे नहीं छोड़ रही है, तो मैं क्या कंपनी को विदाउट इन्फॉर्म करके जा सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर जाने के लिए आप लोगों को कहाँ पे क्या क्या पहले चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे खुद से आपका एग्जिट परमिट का जरूरत है कि नहीं, इसको यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्रोम में ओपन किया, यहाँ पे उसके बाद गूगल में MOI कतर आप लोग क्लिक के यहाँ पे सर्च कीजिए, और MOI कतर का जो साइट है उसमें आप लोग यहाँ पे एंट्री कीजिए। यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हैं, मैं आप लोग रेफरेंस के लिए यहाँ पे करके भी यहाँ पे दिखाया हूँ। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इंक्वायरी में जाइए। इंक्वायरी में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत सारा आइकन है, जिसमें थर्ड आइकन में आप लोग एक फ्लाइट का साइन आप लोग को दिख सकता है। इस फ्लाइट का साइन में आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यू जो पेज ओपन हुआ है वहाँ पे भी बहुत सारा आइकन आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में फर्स्ट लाइन में सेकंड में जो आइकन आप लोग को दिख रहा है लीव नोटिफिकेशन इंक्वायरी, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लाइट के नीचे रेड कलर का कैलेंडर है, इसको आप लोग यहाँ पे ओपन कर लीजिए। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना QID नंबर और यहाँ पे नीचे जो कैप्चा कोड है इसको देखिए यहाँ पे सबमिट कीजिए, आप लोग को यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे मैं अपना QID नंबर देख के यहाँ पे आप लोग को चेक करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे QID नंबर देके चेक करके देखने से यहाँ पे लिखा है कि एग्जिट परमिट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अगर मैं यहाँ पे बिना कंपनी को इन्फॉर्म करके जाना चाहता हूँ कतर से बाहर, तो यहाँ पे मुझे कोई भी एग्जिट परमिट का जरूरत नहीं है। ओके, अभी मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि Metrasku ऐप से आप लोगों के ऊपर कोई भी ट्रैवल बैन लगा है कि नहीं, ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, क्योंकि Metrasku ऐप में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं पिक्चर डाउनलोड करके आप लोग का रेफरेंस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक नंबर पेज, दो नंबर पेज, तीन नंबर पेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक नंबर पेज में यहाँ पे आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आप लोग ऊपर में राइट साइड में कॉर्नर में जो बटन है उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे आप लोग के पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग ट्रैवल बैन का भी यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट अगर यहाँ पे नो डेटा फाउंड ऐसा कुछ शो कर रहा है, इसका मतलब आप लोगों का ऊपर किसी भी टाइप का ट्रैवल बैन यहाँ पे नहीं लगा है, और आप लोग यहाँ पे कंपनी को विदाउट इन्फॉर्म करके यहाँ पे जा सकते हैं। मगर ये तो हो गया ID होल्डर लोगों के लिए, अगर आप लोगों के पास अभी तक ID नहीं है तो आप लोग कंपनी को विदाउट इन्फॉर्म करके कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप लोग को एग्जिट परमिट का जरूरत होगा। ओके, नेक्स्ट पोर्शन में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग तो कतर से निकल तो जाएंगे, मगर जाने के बाद आप लोग के साथ क्या क्या हो सकता है। अगर आप लोग कंपनी को विदाउट इन्फॉर्म करके कतर से बाहर निकल जाते हैं तो कंपनी आपके ऊपर वला ग्रुप का केस, मतलब मिसिंग डायरी आप लोग के ऊपर केस कर सकता है, जिसके वजह से आप लोग कतर में रेड लिस्टेड हो जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी आप लोग कतर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसका बैन एक दो साल या तो फिर 4-5 साल के लिए नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। अगर कंपनी आप लोग के ऊपर ऐसा केस लगा देता है तो आप लोग कभी भी कतर में नेक्स्ट कोई भी कंपनी में नहीं आ सकता है। अगर अच्छा सैलरी का जॉब मिला तो भी आप लोग को वो छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो बेटर यही है आप लोग कंपनी को इन्फॉर्म करके या तो फिर आप लोग कंपनी में नोटिस पीरियड करके कुछ भी करके आप लोग जाइए। मगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग अपना कंपनी को इन्फॉर्म करने गए, उस टाइम उसका कंपनी कतर में रहते हुए उसके ऊपर बला ग्रुप का केस यहाँ पे दर्ज कर दिया। तो ऐसा अगर किसी का साथ भी होता है तो आप लोग इंस्टेंटली CID के पास जाके खुद से सरेंडर कीजिए, एक दो दिन के अंदर ही
कि मैं कंपनी में ही हूँ मगर मेरा कंपनी फिर भी मेरे ऊपर ऐसा केस दर्ज कर दिया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीआईडी आप लोग को इंस्टेंट हेल्प करेगा। इस केस में आप लोग के ऊपर ब्लॉकेज नहीं लगेगा, आप लोग को बैन नहीं किया जाएगा, ऊपर से आप लोग को एग्जिट परमिट सीआईडी से देकर आप लोग को निकाला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो आप लोग को अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।